अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा हिमाचल प्रदेश द्वारा आज अपने युवा संस्कार अभियान के तहत सरकारी डाइट शिक्षण संस्थान धर्मशाला में वैदिक संस्कृति व नशे के दुष्परिणामों के बारे में गेस्ट लेक्चर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महासभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बच्चन सिंह राणा ने भावी शिक्षकों को वैदिक संस्कृति व शिक्षक की भूमिका व अन्य विषय पर टिप्स दिए। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षकों को गायत्री मंत्र का नियमित उच्चारण करने व जीवन में सकारात्मक सोच अपनाने, योगा प्राणायाम की जानकारी व महत्व समझाया। इसके साथ ही नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जीवन भर स्वस्थ रहना है तथा जीवन में कुछ बनना है तो नशों से दूर रहना होगा। उन्होंने छात्रों को फेसबुक और व्हाट्सएप का भी कम इस्तेमाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ज्यादा प्रयोग से हमारी ग्रोथ रुक जाती है तथा मानसिक तनाव पैदा होता है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की तरफ से आज जो संस्कार शिविर रहा, इस शिविर में मुख्य तौर पर जो हमारे चर्चा के जो बिंदु रहे वो इस प्रकार थे, गायत्री मंत्र की हमने प्रार्थना करवाना, और ये ऑलरेडी ही पहले से बच्चे करते हैं, जो टीचर आगे जाएंगे इनके लिए गायत्री मंत्र की प्रार्थना जरूरी है और आगे बच्चों को करवाना, इसके लिए सकारात्मक सोच पैदा करना बच्चों में और खुद में रखना एक जिम्मेदारी और एक आपका चैलेंज है आज की डेट में, उसके बारे में बात की। व्यायाम और खेल के बारे में हमारे साथ आज खेल की खुद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रही रेखा रावत शामिल रही। बाकी हमारा जो खान पान की व्यवस्था है आज की बिगड़ी हुई है उसके ऊपर हमने बात की। बाकी जो नशा एक जहर बन गया समाज में उसके बारे में थोड़ा बताया कि नशा किस कैटेगरी में, प्राइमरी स्कूल में नशे का क्या मतलब है उसके बारे में समझाया, प्राइमरी टीचर्स को नशा किस तरह, लोगों को नशे के बारे में बताया जाए वो समझाया, और जो अपनी शाम को गतिविधि एक स्पोर्ट्स के साथ में होना बड़ी ज़रूरी थी उसके बारे में बताया। हमने फेसबुक, व्हाट्सअप और तमाम जिस प्रकार के ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जिनसे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, जिनसे पढ़ाई रुक जाती है, जिनसे समय बर्बाद होता है, उसके बारे में भी कहा कि ये जरूरी है, बट ये कहाँ तक जरूरी है, किस हद तक, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करी है।